राजस्थान सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जुड़े पेंशनरों को दीपावली से ठीक पहले तोहफा मिल चुका है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जुड़े पेंशनरों को अगस्त महीने की पेंशन मिल गई है। काफ़ी लोगों को पेंशन मिल चुकी है, तो यहाँ पर कई लोगों को डबल पेंशन मिली है। जैसे मान लो उनको यहाँ पर जुलाई महीने की पेंशन नहीं मिली है, तो अगस्त और जुलाई महीने की दोनों एक साथ ही पेंशन मिल गई है। 17 अक्टूबर को ये पेंशन मिली है। बहुत सारे पेंशनरों को ये पेंशन मिल गई है। हालांकि राज एसएसपी पोर्टल पर अभी तक डाटा अपडेट नहीं हुआ है। आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर चेक कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट के अंदर चेक कीजिए, वहां पे आपको अपना पेमेंट रिसीव हो गया है। यदि आपका अकाउंट एसबीआई बैंक के अंदर है तो एसबीआई बैंक के अंदर बहुत आसान है पैसा चेक करना। फ़ोन पे बना हुआ है तो वैसे चेक कर सकते हैं, बाकी फ़ोन पे नहीं बना हुआ है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं। रजिस्टर मोबाइल नंबर से आपको कॉल करना है 1800-1234, इस पे कॉल करना है और इसके बाद में आपको सीधा एक ही प्रेस करना है। उसके बाद में एक बार फिर से एक प्रेस करना है। उसके बाद में यहाँ पर बता देगा कि कितना बैलेंस है। उसके बाद मिनी स्टेटमेंट चाहिए तो वहाँ पे कुछ आपको प्रेस करना पड़ेगा, जो बोलेंगे बटन प्रेस करना है। उसके बाद में मिनी स्टेटमेंट भी भेज देंगे। अब यदि आपके एक मोबाइल नंबर से बहुत सारे मल्टीपल अकाउंट जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर उस अकाउंट का, जिस अकाउंट का आप मिनी स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, उस अकाउंट के पीछे वाले 4 अंक, लास्ट 4 डिजिट आपको वहाँ पे एंटर करने होते हैं। वो बताते भी है 4 डिजिट एंटर कीजिए। उसके बाद में उसका भी बैंक बैलेंस शो कर देगा, बैंक बैलेंस सुना देगा आपको, और साथ में आप एसएमएस पर भी बैंक बैलेंस रिसीव कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट रिसीव कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिख जाता है, मतलब 5 स्टेटमेंट दिख जाता है। जैसे कोई पेंशनर है, बुजुर्ग है, और उनके अकाउंट के अंदर सिर्फ पेंशन का ही पैसा आता है, तो मतलब पांच आप स्टेटमेंट निकालते हैं, 5 ट्रांजेक्शन निकालते हैं, उसके अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों कौन किस किस कैटेगरी की पेंशन आई है, जिनको 1500 मिल रही है उनको भी मिली है, और हालांकि कई लोगों को यदि नहीं मिली है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सभी को मिल गई है, जिनको नहीं मिली है, जिनको नहीं मिली है उनको पेंशन 20 तारीख तक मिल जाएगी। जिनको अब 17 को नहीं मिली है उनको 20 तक मिल जाएगी। जैसे जहाँ पर, क्योंकि इस बार जुलाई महीने की पेंशन बहुत अलग अलग डेट को भेजी गई थी, सभी को एक डेट को मिली नहीं और अभी भी कईयों को नहीं मिली, लेकिन कई पेंशनरों को जुलाई और अगस्त महीने की एक साथ पेंशन मिल गई है। 2300 रुपये एक साथ ही मिल गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको 2300 रुपये एक साथ ही मिल गए हो, क्योंकि फिलहाल स्टेटस शो नहीं कर रहा है पोर्टल पर। जब तक स्टेटस शो नहीं करता है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, बाकी आप लोगों से ही हम जान सकते हैं कि आपको मिली है कि नहीं मिली है। आप लोग ही कमेंट करके बता सकते हैं कि पेंशन हमें दोनों एक साथ मिली है, या फिर अलग अलग डेट को मिली है, या फिर जुलाई की मिलनी है, या जो भी है आप लोग ही हमें बताएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पेंशन अगस्त या फिर जुलाई महीने की मिल गई है, नहीं मिल गई है। जुलाई महीने की लगभग ऑलमोस्ट मतलब सभी को मिल गई है। राज्य के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे वहाँ पर जुलाई महीने की पेंशन मिल गई है। बाकी अगस्त महीने की पेंशन, अब आप लोग बताओगे कि अगस्त महीने की पेंशन जो है हमें रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। बाकी जैसे मैंने वीडियो बना के आपको बताया था तो रिसीव हो गई, बहुत सारे पेंशनरों को रिसीव हो गई है। हो सकता है कि ये पेंशन एक साथ ही सभी को रिसीव हो गई हो, एक साथ ही रिसीव हो गई हो सभी को, लेकिन यहाँ पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे यहाँ पर एक दो दिन के अंदर पता चल जाएगा, क्योंकि जब तक पोर्टल अपडेट नहीं होता है तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। बाकी पेंशनरों से हमें पता करना पड़ता है, फ़ोन करके पता करना पड़ता है। जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर सभी की पेंशन आ गई है, तो इस वजह से हम हमारे डिस्ट्रिक्ट से क्या पूछे। आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से हो वहाँ पे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पेंशन रिसीव हुई है कि नहीं हुई है। इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।